शाहरुख सुबह से सिर्फ करवा चौथ वाली वीडियो आ रहा है यूट्यूब पर ना यार। एक काम करते अपन भी करवा चौथ स्पेशल वीडियो बनाते करवा चौथ स्पेशल ड्रग। चलो जोक्स अपार्ट थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। ये एक्चुअली एक न्यूज है जो इंटरनेट पर इन दिनों पूरी दुनिया में काफी उधम मचा रही है और ये एक मेडिसिन को लेकर है जो आपने और मैंने बचपन से लेकर अभी तक एक बार कभी ना कभी खाई ही होगी। बिल्कुल क्रोसिन की तरह ये एक पॉपुलर मेडिसिन है और ये शायद आपकी जान के लिए खतरा साबित हो सकती है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो दरअसल बात है रैनिटिडिन नाम के एक मेडिसिन को लेकर जो इन दिनों बैन को लेकर चर्चा में है पूरी दुनिया में, ना कि सिर्फ इंडिया में। उस न्यूज को देखने से पहले अपन सबसे पहले ये समझ के लेते हैं कि आखिर ये रैनिटिडिन ऐसा क्या ड्रग है और वो एग्जैक्टली क्या काम करता है। जब भी आपको बहुत तेज बुखार होता है या आपका बदन दर्द से टूट रहा होता है तो आप जाते हैं आपके फिजिशियन के पास। डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है एक कोर्स एंटीपायरेटिक्स और एनाल्जेसिक्स का, यानी कि एंटीपायरेटिक्स ये ऐसे मेडिसिन होते हैं जो आपका बढ़ा हुआ बॉडी टेम्परेचर रिड्यूस करते हैं और एनाल्जेसिक्स ऐसे मेडिसिन होते हैं जो आपके अंदर का किसी भी किस्म का दर्द, चाहे वो बॉडी एक हो या हेड एक हो, उसे किल कर देते हैं। यानी कि बेसिकली ये एक किस्म के पेन किलर्स होते हैं। ये दोनों भी किस्म के ड्रग अपना अपना काम बहुत बखूबी से निभाते हैं, लेकिन जाते जाते ये आपके अंदर छोड़ जाते हैं एक साइड इफेक्ट जिसे बोला जाता है हाइपर एसिडिटी। ये आपकी स्टमक की इनर लाइनिंग को, जो सेल्युलर लेयर होती है आपकी स्टमक की अंदर से, उसे इरिटेट करते हैं और हो सकता है कि जिसके वजह से आपको हो जाए अल्सर या फिर आपकी स्टमक की एसिड की लेवल होती है वो अचानक से शूट हो जाती है, जिसे बोला जाता है हाइपर एसिडिटी। ये कभी कभी इतना ज्यादा होता है कि आपका जो ईसोफेगस होता है, यानी कि आप जब खाना खाते हैं तो स्टमक तक ट्रेवल करता है जिस पाइप से, उस पाइप के अंदर अल्सर्स क्रिएट हो सकते हैं, कभी कभी आपके अंतड़ियों के अंदर भी अल्सर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा पेनफुल भी होता है और एग्जैक्टली ये सिचुएशन ना हो तो ऐसे केस में यहाँ में पिक्चर में आता है ये रैनिटिडिन मॉलिक्यूल। ये एक किस्म की दवा होती है, एक किस्म का एंटासिड होता है जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं कॉम्बिनेशन में विद दिस एंटीबायोटिक्स एंड एनर्जेसिक्स, ताकि इन एंटीबायोटिक्स का आपके ऊपर कोई साइड इफेक्ट ना हो। अब आखिर सीन समझ के लेते हैं कि आखिर एक सिंपल सा एंटासिड आज पूरी दुनिया में इतना चर्चा में क्यों है। आज से ठीक एक महीने पहले USFDA ने, यानी कि US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलेटरी बॉडी ने, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस जारी किया। उसमें उन्होंने बताया कि ये जो रैनिटिडिन है इसके कुछ मार्केट ब्रांड्स है, उसके कुछ सैंपल्स इकट्ठा किए थे उन्होंने और थर्ड पार्टी के थ्रू उसकी क्वालिटी टेस्टिंग की गई, जिसमें उन्होंने पाया गया कि एक किस्म की इंप्यूरिटी इस ड्रग के अंदर लिमिट से ज्यादा बढ़ गई है। उस इंप्यूरिटी का नाम है NDMA, यानी कि N-nitrosodimethylamine। ये बेसिकली एक किस्म का कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस है जो आपके अंदर कैंसर के लिए पोषक वातावरण क्रिएट करता है, यानी कि ये आपके अंदर कैंसर के लिए कारणीभूत साबित हो सकता है। तो जाहिर सी बात है कि कैंसर का नाम सुन के ये अच्छे अच्छों की फट जाती है, तो इस इंटरनेट की दुनिया में ऐसी खबरें तो काफ़ी आसानी से वायरल हो जाती है और इजीली पैनिक क्रिएट कर देती है। आज सुबह सुबह ही मुझे ऐसे अलग अलग चार ग्रुप से सेम मैसेज आया है कि इस मेडिसिन से दूर रहो करके, तो मैंने सोचा कि थोड़ा डिटेल एनालिसिस किया जाए और समझा जाए। इसी नोटिस में USFDA ने साफ साफ ये तो नहीं कहा कि हम इस मेडिसिन को बैन कर रहे, बल्कि उन्होंने ये कहा कि हम इस नोटिस के थ्रू लोगों के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को काउंसिल कर रहे हैं कि आप हो सके तो इस मेडिसिन को फिलहाल, हम जब तक एक फाइनल कंक्लूजन पर नहीं आते तब तक डिसकंटिन्यू करो और किसी और सेकेंडरी ऑप्शन के पास जाओ, डॉक्टर को बोलो कि हमारी ये मेडिसिन चेंज करा के दो किसी और किस्म के एंटासिड के साथ। या कुछ लोग होते हैं फिर भी कि हमें यार यही मेडिसिन कंटिन्यू करनी है, हम इसे मर भी गए तो भी चलेगा, हमारे अंदर चूल है ये मेडिसिन खाने की। तो ऐसे केस में वहां की FDA ये सजेस्ट कर रही है कि आप ये मेडिसिन एज अ ओवर द काउंटर फिलहाल के लिए मत खरीदो, आपको इसे कंटिन्यू करना ही है ना, तो आपके फिजिशियन के प्रिस्क्रिप्शन के अंडर इसे कंटिन्यू करो, यानी कि डॉक्टर की सलाह से ही इसे खाओ और आपके अंदर जो भी चेंजेस आप महसूस कर रहे हो, फिर चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, दोनों के नोटेशंस आपके डॉक्टर को टाइम टू टाइम देते जाओ ताकि डॉक्टर वो हमें आकर रिपोर्ट कर सके। तो अब सवाल ये रहा कि आखिर ये इंप्यूरिटी आई कहां से। इंप्यूरिटी इस वर्ड का लिटरली मतलब होता है कि एक किस्म की मिलावट। USFDA ने एक तरफ अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू ही किया था, तुरंत 15 दिन में उन्होंने उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक और सेकंड नोटिस जारी किया। उसमें उन्होंने ये बताया कि ये जो सैंपल्स हम लोगों ने इकट्ठा करे थे मेडिसिंस के, वो हम लोगों ने टेस्टिंग के लिए भेजे थे एक थर्ड पार्टी लेबोरेटरी के पास। उस लेबोरेटरी ने इस मेडिसिन को टेस्ट करते वक्त एक प्रोसीजर यूज करा था, एक प्रोटोकॉल यूज करा था, जिसमें एक सर्टन स्टेप पर उस सैंपल का टेम्परेचर बढ़ाना इस प्रोसीजर का एक हिस्सा था और उस पर्टिकुलर प्रोसेस की वजह से ऑटोमेटिकली ये मॉलिक्यूल उसके अंदर बन रहा था एज ए इंप्योरिटी। तो बेसिकली प्रॉब्लम उस प्रोडक्ट में नहीं था, प्रॉब्लम था उस टेस्टिंग प्रोटोकॉल के अंदर। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए
यूएस एफडीए ने पूरी दुनिया को नोटिफाई करा, सारे सरकारों को, सारे मैन्युफैक्चरर्स को, और ये बताया कि यार ये प्रोटोकॉल यूज मत करो टेस्टिंग के लिए, इससे ये मॉलिक्यूल सिंथेटिकली बन रहा है, मतलब जो सैंपल में है ही नहीं वो चीज बन रही है उस सैंपल के अंदर, ये नया वाला प्रोटोकॉल है, इसे यूज करो। इस प्रोटोकॉल में टेम्परेचर बढ़ाना नहीं पड़ता, तो जो भी रीडिंग आएगी उसे जेन्युइन समझा जाएगा। देखो ये तो रही बात रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की, हम इंडिया में रह रहे हैं इसलिए इंडिया में इसको लेकर एक्चुअली क्या सीन चल रहा है ये अपने लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रैनिटिडिन का इंडिया में जो रेपुटेशन है वो बहुत ही जबरदस्त है बॉस, मतलब अगर अपन नंबरिंग करने बैठे ना तो सबसे पुराने मेडिसिन में से कौन सा मेडिसिन है तो रैनिटिडिन इज वन ऑफ देम, और सबसे ज्यादा पॉपुलर आज की तारीख में भी टॉप थ्री में अगर किसी का काउंटिंग किया जाए तो रैनिटिडिन इज वन ऑफ देम। सबसे सस्ता भी है, एक रुपए से भी कम प्राइस में इसकी एक टैबलेट मिलती है, इसलिए गांव खेड़े में ये सबसे ज्यादा चलने वाला एंटासिड है, और टोटल 180 प्लस ब्रांड्स वो भी सारे टॉप नॉच क्वालिटी के मार्केट में आज सक्सेसफुली इसका बिजनेस कर रहे हैं, और साथ ही साथ में टोटल अगर फाइनेंशियल मार्केट देखा जाए तो 700 करोड़ से भी बड़ा मार्केट है इस मेडिसिन का। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसके वजह से क्या किसी की आज तक जान गई है क्या, या फिर किसी को कैंसर सच में हुआ है क्या इंडिया में, मैंने गूगल पे यूट्यूब पे काफी रिसर्च किया लेकिन मुझे एक भी केस नहीं मिला कि रैनिटिडिन की वजह से किसी को कैंसर हुआ है या किसी की जान गई है। इंडियन रेगुलेटरीज इसको लेकर क्या कर रही है वो भी मैंने छानबीन करी, तो मुझे ये समझ में आया कि इंडिया का जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इस संस्था ने सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को एक नोटिस जारी किया है कि फिलहाल हम लोग इस मेडिसिन को बैन नहीं कर रहे, बस इसका सेल रोकना चाहते, इसलिए आप लोग जो भी फार्मास्यूटिकल मार्केट में इसके जो बैचेस भेज दिए हैं वो वापस बुलाओ, उसके सैंपलिंग करो, उसके अच्छे से टेस्टिंग करो, जो यूएस एफडीए ने जो प्रोटोकॉल सजेस्ट किया है वही फॉलो करके अच्छे से वापस एक बार टेस्टिंग करो, श्योर हो जाओ, और बाद में एक रिपोर्ट हमें सबमिट करो, फिर हम देखते हैं आगे क्या करना है। इस न्यूज के वजह से कौन अफेक्ट होने वाला है, तो एक नंबर पे है कंज्यूमर, दो नंबर पे है फार्मासिस्ट, और तीन नंबर पे है डॉक्टर। इसमें से हर एक का क्या रोल होना चाहिए, हर एक की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंडिविजुअल लेवल पर होनी चाहिए, इसमें सबसे ज्यादा इंपैक्ट किस पर होने वाला है तो वो है कंज्यूमर, यानी कि आप और मेरे जैसा पेशेंट। तो हम लोगों को क्या करना है, इस मेडिसिन को हमें ओवर द काउंटर खरीदने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर यह मेडिसिन आपके घर में है तो फिलहाल के लिए इसे खाना बंद कर दो, और आपके डॉक्टर से सलाह लो कि ये चेंज करा के कोई और मेडिसिन हमें शुरू कर दो। सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है फार्मासिस्ट की, क्योंकि आफ्टरऑल वो कंज्यूमर के हाथों में ये प्रोडक्ट दे रहा है। इंडिया में ये ओवर द काउंटर प्रोडक्ट है नहीं, ये एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, यानी कि अगर इसको खरीदना है तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की आपको जरूरत है। तो अभी आपको क्या करना है, आपके पास इसका जितना भी स्टॉक बचा हुआ है ना वो सारा का सारा इस मेडिसिन के डिस्ट्रीब्यूटर को वापस लौटा दो, और इस वीडियो की लिंक आपके सारे फार्मासिस्ट दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा फार्मासिस्ट इसको लेकर अलर्ट हो जाए और सेल स्टॉप कर दे। अब इस सीरीज में सबसे आखिरी कड़ी कौन है, तो वो है डॉक्टर्स। मैं सारे डॉक्टर्स को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि फॉर ए टेम्पररी बेसिस ये H2 ब्लॉकर कैटेगरी के एंटासिड्स प्रिस्क्राइब करना बंद कर दो। तो इसको अल्टरनेटिव क्या है, तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स कैटेगरी के एंटासिड्स जैसे कि ओमेप्रोजोल, पेंटोप्रोजोल, एजोमेप्रोजोल, रेबिप्रोजोल, बहुत ही अच्छे एंटासिड्स होते हैं, हालांकि ये थोड़े महंगे जरूर होते हैं लेकिन फिलहाल इन ड्रग्स को लेकर इंडिया में कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है, तो उसे प्रिस्क्राइब कर दो। ओवरऑल इस ड्रग की मार्केट रेपुटेशन देखी जाए तो मुझे नहीं लगता यार कि ये सारे ड्रग्स में ये इंप्योरिटीज रहेगी, बट स्टिल एक कहीं ना कहीं कुछ डाउट निकल कर आया ही है, तो कंफर्म करा के लेना तो बनता है बॉस। तो भगवान करे ये सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाए जल्द से जल्द, और मैं बस यही चाहूंगा कि यार ये इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करो ताकि किसी और के घर में अगर पड़ी हुई है ना तो गलती से वो बंदा खा ना ले और कुछ उसको हो ना जाए। अगर आप मुझे इस वीडियो के थ्रू पहली बार देख रहे हो तो वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है ना उसे प्रेस कर दो, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दो ताकि मेरी आने वाली ऐसे ही सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। फिलहाल के लिए हम यही रुक जाते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और हाई फाई।